ये देखो हम लोग आम तोड़ के लिए आए हैं चटनी बनाने के लिए। और हम ही लोग का आम है, हम लोग घर के पीछे साइड अरे हटिया। है, उसी को तोड़ के लाए हैं चटनी बनाने के लिए। और आम देख सकते हैं इधर है, वो आम दिखा देता हूँ, इसी पेड़ का को तोड़ के लाए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। और चटनी अभी पीसेगी वाइफ, इसको रख देते हैं यहाँ पर। नहीं पहले छीलना पड़ेगा इसको, इसको इधर ले लाते हैं, पहले यहाँ रख देते हैं। तो अभी हम लोग आम को छील रहे हैं, देख सकते हैं अभी इसको छील लेते हैं, उसके बाद पीसेंगे। उसके बाद यहाँ पास देख सकते हैं प्याज लहसुन और मिर्च, ये सब को मिला के पीसेंगे, और उसके बाद खाना के साथ खाएंगे चटनी, आम का चटनी। तो देख सकते हैं अभी हम लोग का चटनी पिसा रहा है आमा का, और लहसुन प्याज कट के रेडी, अब पिसा रहा है, अब खाने में मजा आएगा। मेरा मुंह में तो पानी आ रहा है। तो यार देख सकते हैं अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, ये आमा का चटनी और ये टमाटर का झोर। अब सुटकी भी बना है, लेकिन सुटकी मैं नहीं खा रहा हूँ। तो यार अभी हम लोग बैठे हैं आम पेड़ के नीचे, और एकदम तगड़ा धूप में आज काम किए हैं यार। आज हम लोग का गेहूँ भी सही चल रहा था एकदम धूप में एकदम, और अभी पूरा धूप गर्दा धूल गर्दा पड़ गया है, और अभी नहाना पड़ेगा यार। तो अभी हम लोग आम पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग का बकरी इधर बंधा हुआ है, जो कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, उसको पानी पिला रहे थे, लेकिन अभी आराम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के थोड़ा आराम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत धूप धूप में काम किए हैं यार, और पूरा थकासी लग रहा है। तो हम लोग बकरी को पानी पिला लिए हैं, पी रहा है अभी, तक देख सकते हैं। टमाटर तोड़ के रखे हुए हैं, दो ट्रे देख सकते हैं, एकदम तगड़ा तगड़ा एकदम फ्रेश माल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें भी है। और टमाटर हम लोग इसमें लगाए हैं, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसमें हम लोग टमाटर लगाए हुए हैं, और एकदम तगड़ा फला था इस बार हम लोग का टमाटर। अच्छा हुआ कि हम लोग शायद पत्थर नहीं गिरा, बहुत जगह पत्थर गिरा है इस बार, तुम लोग का टमाटर फट गया है, इधर नहीं गिरा इसलिए फ्रेश है टमाटर, इधर देखिए, लेकिन कीड़ा खा रहा है, देख सकते हैं कहीं कहीं, देख सकते हैं इधर पूरा टमाटर लगाए हुए थे और बांधे थे, इसलिए हम लोग का टमाटर फ्रेश है, और कहीं कहीं नहीं बांध पाए, वहाँ पर झुक गया है, तो पानी सब पड़ता है, तो गर्मी की वजह से वो गल जा रहा है, थोड़ा ख़राब होता है, ख़राब हो जाता है, जैसे कि ऐसे पौधा जो झुक गया है ऐसे में ख़राब होता है टमाटर, देखें और उधर का फ्रेश है, और इधर का तो पौधा ही मर गया है, क्योंकि इधर हम लोग नहीं बांध पाए थे, और इधर का ज़्यादा फल नहीं हुआ, पौधे ही मर गया, 7, 8, 4, 5 इधर फल, बाकी उधर तो 1-1.5 किलो आराम से जाता है, अभी भी पाक बहुत सारा हम लोग नहीं तोड़ पाए, हम लोग 1-2 दिन ही पाते हैं चलने का, और मार अभी इसका रेट 30-50 ऐसे नहीं चल रहा है, कहीं 30 कहीं 40 कहीं 50, सब जगह अलग अलग रेट रहता है। चलिए चलते हैं अभी नहाने वहाने के लिए, क्योंकि हम लोग गेहूँ मिस रहे थे तो बहुत ज़्यादा हो गया है शरीर में।
मछली रखने जा रहे हैं, नए हैं, उसके बाद लंच वंच करेंगे और हम लोग बकरी का बच्चा भी देख सकते हैं। इस बकरी का बच्चा उसी में देखिए, इसका बच्चा उसी के बाद तो देखो भाई मैं नहाने आ गया हूँ। यहाँ बस लोग चल रहा है बोर, इधर ड्रिप लगाए हैं, इधर इधर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ टमाटर लगाए हैं, जो कि दूसरा वीडियो में आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा। तो इधर ही हम लोग ड्रिप पानी चलाए हैं, तो यही बस पानी आ रहा है, तो यही बस मैं नहा लूँगा, जैसे तगड़ा पानी आ रहा है तो यही बस मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। और अभी कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत खुजली लग रहा था, गेहूं का काट शरीर में था, गेहूं का छोटा था और अभी लिया हुआ ठीक लग रहा है। तो चलिए जाता हूं और लंच करता हूं और थोड़ा देर रात के बाद ट्रे में टमाटर टूटे हैं उसको लेना है मार्केट, तो यहीं पर इंड में है।